बिना हारे, बिना रुके और बिना थके निरंतर आगे बढ़ने का नाम ही जिंदगी है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर वीर सिंह मौर्य हमारे यूट्यूब चैनल सेखावाटी लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेवाड़ की रावल शाखा आपको कंप्लीट करा दी थी और ये सिसोदिया शाखा का आज अंतिम वीडियो है। तो चलिए, मेवाड़ की सिसोदिया शाखा के बारे में आज चर्चा करते हैं। राणा प्रताप से आगे अपन बात करेंगे। देखिए, राणा प्रताप के बाद में राणा अमर सिंह, ये 1587 से 1620 तक इनका कार्यकाल था और इनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटना है 1615 में मेवाड़ मुगल संधि। फिर देखिए, राणा करण सिंह, ये 1620 से 1628 तक जो इनका कार्यकाल था, इनके काल में क्या हुआ, देखिए, पिछोला झील के महलों में शाहजादा खुर्रम को पनाह देना और जग मंदिर महलों को बनवाना शुरू करना। आगे दोस्तों इनके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई, यहाँ मेन मेन बातें बता रहा हूँ। फिर देखिए, राणा जगत सिंह प्रथम, इनका जो कार्यकाल है वो 1628 से 1652 तक माना जाता है और इनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं क्या है, जगदीश मंदिर उदयपुर का निर्माण करवाना और जगदीश महल व उदय सागर के महलों का निर्माण करवाना। तो दोस्तों, ये राणा प्रताप के बाद के मेवाड़ के सिसोदिया वंश के प्रमुख शासक हुए थे और उनके कार्यकाल में इनके द्वारा कौन कौन से प्रमुख निर्माण कार्य या प्रमुख घटनाएं हुई थी वो आपके सामने प्रस्तुत की गई है। आगे और देखिए इसके बारे में। दोस्तों, राणा जगत सिंह प्रथम के बाद देखिए राणा राज सिंह प्रथम, राणा जगत सिंह प्रथम के बाद में उनका पुत्र राणा राज सिंह प्रथम जो है मेवाड़ के सिसोदिया वंश का शासक बना था। इनका कार्यकाल है 1652 से 1680 तक और इनके टाइम पर क्या हुआ था, देखिए 1662 में राजसमंद झील और राज प्रशस्ति, दोस्तों 1662 में राजसमंद झील का इनके द्वारा निर्माण कराया गया था और राज प्रशस्ति जो है वो उसकी रचना भी इन्हीं के द्वारा करवाई गई थी। आगे भी डिटेल से इनके बारे में बताया गया है। फिर है कांकरोली में द्वारकाधीश और नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्तियों को प्रतिष्ठित कराने का कार्य इनके द्वारा किया गया था। इसके बाद में इनका पुत्र राणा जय सिंह जो है वो मेवाड़ की सिसोदिया वंश का शासक बना था। इनका कार्यकाल 1680 से 1698 तक रहा था और इन्होंने क्या कार्य करवाया था, 1687 में उदयपुर में जय समंद झील का निर्माण करवाया था। फिर आगे देखिए, इनके बाद में राणा अमर सिंह द्वितीय जो है वो मेवाड़ के सिसोदिया वंश के शासक बने। इनका कार्यकाल 1698 से 1710 तक रहा था और इनके कार्यकाल में क्या प्रमुख हुआ था, प्रतापगढ़ को पुनः मेवाड़ के अधीन करना। ठीक है, फिर देखिए राणा संग्राम सिंह द्वितीय, दोस्तों राणा संग्राम सिंह द्वितीय 1710 से 1734 तक मेवाड़ के सिसोदिया वंश के शासक रहे थे और इनके कार्यकाल में क्या हुआ था वो आगे देखिए। तो देखिए, राणा संग्राम सिंह द्वितीय 1710 से 1734 ये इनका कार्यकाल है और इनके कार्यकाल में क्या हुआ प्रमुख, उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी, इन्होंने उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था। इसके बाद देखिए राणा जगत सिंह द्वितीय, ये मेवाड़ के सिसोदिया वंश के शासक बने थे और इनका कार्यकाल था 1734 से 1778 तक। ठीक है, इन्होंने क्या करवाया था, जगत निवास महल का निर्माण करवाया था उदयपुर में, जगत निवास महल और 1734 में हुरड़ा सम्मेलन का आयोजन, ये इनके कार्यकाल की प्रमुख घटनाएं हैं। इसके बाद में देखिए राणा भीम सिंह जो है वो मेवाड़ की सिसोदिया वंश के शासक बने थे और इनका कार्यकाल 1778 से 1828 तक रहा था। इनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं क्या हैं, एक तो है कृष्णा कुमारी विवाद और दूसरा है 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से अधीनस्थ सहयोग संधि, ये इनके कार्यकाल की प्रमुख घटनाएं हैं। तो इन शासकों के बारे में विस्तार से आगे जो है चर्चा की गई है, वहां देखिए। और अब क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कुटों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट में दे रखा है जहांगीर द्वारा मेवाड़ अभियान, ठीक है, किन के नेतृत्व में मेवाड़ अभियान प्रारंभ किए गए थे, और सूची सेकंड में दे रखा है कौन कौन से वर्षों में वो अभियान प्रारंभ किए गए थे। तो देखिए, पहला महाबत खां के नेतृत्व में 1608 में, फिर अब्दुल्ला के नेतृत्व में 1609 में, फिर राजा बासु के नेतृत्व में 1612 में और शाहजादा खुर्रम के नेतृत्व में 1613 में। तो दोस्तों, मैंने ये बिल्कुल सही सुमेलित करके लिखे हैं, आप याद कर सके इसलिए मैंने सुमेलित करके लिखे हैं पहले से ही, तो इसका सही उत्तर होगा एक नंबर का। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ के किस राणा के काल को राजपूत काल का अभ्युदय कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन है राणा अमर सिंह प्रथम, राणा जगत सिंह प्रथम, राणा राज सिंह प्रथम या राणा जय सिंह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा फर्स्ट नंबर का, राणा अमर सिंह प्रथम। दोस्तों राणा अमर सिंह प्रथम के कार्यकाल को राजपूत काल का अभ्युदय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मुगलों से संधि करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक था? ऑप्शन है राणा अमर सिंह प्रथम, राणा अमर सिंह द्वितीय, राणा जगत सिंह प्रथम, राणा राज सिंह। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा फर्स्ट नंबर का, राणा अमर सिंह प्रथम। दोस्तों राणा अमर सिंह प्रथम ने 1615 में और मुगलों के साथ में संधि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, मुगल सम्राट जहांगीर के बचपन का नाम था, जहांगीर के बचपन का क्या नाम था? ऑप्शन है सलीम, खुर्रम, परवेज या जहां। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है एक नंबर का, सलीम। मुगल सम्राट जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शाहजहां के बचपन का नाम था, शाहजहां के बचपन का क्या नाम था? ऑप्शन है सलीम, खुर्रम, साहू या कुंवर। इसका सही उत्तर होगा सेकंड नंबर का, खुर्रम। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल सम्राट ने 1606 में 22,000 घुड़सवारों को मेवाड़ अभियान के लिए भेजा था? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। इसका सही उत्तर है सेकंड नंबर का, जहांगीर। दोस्तों जहांगीर ने शासक बनने के बाद अपने पिता की नीति का अनुसरण करते हुए परवेज, आसिफ खां, जफर बेग और सगर के नेतृत्व में 22,000 घुड़सवारों को मेवाड़ अभियान के लिए भेजा था। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मुगल मेवाड़ संधि किस वर्ष हुई थी? मुगल मेवाड़ संधि किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1613 में, 1615 में, 1620 में या 1628 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सेकंड नंबर का, 1615 में। मुगल मेवाड़ संधि महाराणा अमर सिंह के शासनकाल में, अमर सिंह के समय जो है 1615 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, राणा अमर सिंह प्रथम का देहांत किस स्थान पर हुआ था? राणा अमर सिंह का देहांत कहाँ हुआ था? ऑप्शन है उदयपुर में, चित्तौड़ में, गोकुंदा में या कुंभलगढ़ में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है एक नंबर का, उदयपुर में। राणा अमर सिंह का देहांत उदयपुर में हुआ था और उनकी छत्री जो है वो आहड़ में बनी हुई है, आहड़ उदयपुर में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आहड़ उदयपुर में मेवाड़ के राणाओं की छत्रियों जिनको बोलते हैं महासती, ठीक है, में पहली छत्री किस राणा की है? ठीक है, ऑप्शन देखिए राणा सांगा, राणा प्रताप, राणा अमर सिंह प्रथम या राणा जगत सिंह प्रथम। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा तीन नंबर का, राणा अमर सिंह प्रथम। दोस्तों आहड़ उदयपुर में मेवाड़ के राणाओं की जो छत्रियां बनी हुई है जिनको महाशक्तियां बोलते हैं, उसमें पहली जो छत्री बनी है वो राणा अमर सिंह प्रथम की बनी हुई है। अब देखिए दोस्तों, राणा अमर सिंह प्रथम के बारे में पूरी जानकारी, दोस्तों मैं चार चार गाइड सामने रख करके और बुक सामने रख करके आपके लिए मैटर तैयार करता हूँ, इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी विद्यार्थियों तक भी पहुँच सके और मेरे को भी मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, तो देखिए, अब राणा प्रताप के बाद उसका पुत्र अमर सिंह मेवाड़ का राजा बना। 19 जनवरी 1597 को मेवाड़ की नई राजधानी चावंड में अमर सिंह का राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, अमर सिंह का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? चावंड में, जो कि मेवाड़ की नई राजधानी थी और राणा प्रताप के द्वारा जो राजधानी बनाई गई थी। फिर है राणा अमर सिंह के काल को राजपूत काल का अभ्युदय कहा जाता है। याद रखना, राजपूत काल का अभ्युदय काल किस शासक के काल को कहा जाता है? राणा अमर सिंह। ठीक है, फिर है मुगल सम्राट जहांगीर सलीम ने 1606 में सम्राट बनने के बाद अपने पिता अकबर की नीति को जारी रखते हुए 22,000 घुड़सवारों को मेवाड़ अभियान के लिए भेजा था। याद रखना, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम था। तो उसने शासक बनने के बाद में और मेवाड़ के विरुद्ध जो है सबसे पहला जो अभियान किया था वो 1606 में किया था। 22,000 घुड़सवार जो है वो चार व्यक्तियों के नेतृत्व में, परवेज, आसिफ खां, जफर बेग और सगर के नेतृत्व में जो है ये 22,000 घुड़सवारों को मेवाड़ अभियान के लिए भेजा था। फिर है इसके बाद जहांगीर ने 1608 में महाबत खां के नेतृत्व में,
1609 में अब्दुल्ला के नेतृत्व में, 1612 में राजा बसु के नेतृत्व में और 1613 में शाहजादा खुर्रम के नेतृत्व में मेवाड़ के विरुद्ध सैन्य अभियान भेजे थे। दोस्तों ये पूरी डिटेल अच्छी तरह याद रखना, आप चाहो तो स्क्रीन रोक वॉल्यूम बंद करके भी इनको याद कर सकते हो, पढ़ सकते हो। इसके बाद देखिए 1613 में मुगल सम्राट जहांगीर मेवाड़ विजय के लिए आया और उसने अजमेर में शाही कैंप लगाया तथा शाहजादा खुर्रम को मेवाड़ अभियान का सर्वेसर्वा बनाया। याद क्या रखना आपको कि मुगल सम्राट जहांगीर मेवाड़ विजय के लिए कब आया था, 1613 में। उसने अपना शाही कैंप कहाँ लगाया था, अजमेर में, ठीक है। तो जहांगीर ने मेवाड़ अभियान का सर्वेसर्वा किसको बनाया था, शाहजादा खुर्रम को, जिसको कि बाद में आगे जा करके शाहजहां का आ गया, ठीक है। फिर 5 फरवरी 1615 को मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह प्रथम ने मुगलों के साथ संधि की। इस प्रकार मुगलों के साथ संधि करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक अमर सिंह प्रथम था। याद रखना दोस्तों, मेवाड़ और मुगलों के मध्य संधि जो हुई थी वो कब हुई थी, 5 फरवरी 1615 को। किन किन के बीच में हुई थी, मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह प्रथम और शाहजादा खुर्रम के बीच में ये संधि हुई थी। तो इस प्रकार से मुगलों के साथ संधि करने वाला जो पहला शासक था वो मेवाड़ का प्रथम शासक था, वो कौन था, अमर सिंह प्रथम। फिर देखिए अंत में 26 जनवरी 1620 में राणा अमर सिंह का उदयपुर में देहांत हो गया था। राणा अमर सिंह की मृत्यु कब हुई थी, 1620 में, कहां पर, उदयपुर में, ठीक है। फिर है राणा अमर सिंह प्रथम की छत्री आहड़ उदयपुर में बनी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, राणा अमर सिंह प्रथम की छत्री कहां पर बनी हुई है, आहड़ उदयपुर में बनी हुई है। फिर है आहड़ उदयपुर में जो मेवाड़ के राणाओं की छत्रियां बनी हुई हैं जिन्हें महासत्यां कहा जाता है, उनमें पहली छत्री राणा अमर सिंह प्रथम की बनी हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है दोस्तों, मेवाड़ के राणाओं की जो छत्रियां बनी हुई है वो किस स्थान पे बनी हुई है, आहड़ उदयपुर में बनी हुई है। उनको क्या कहा जाता है, महासत्यां कहा जाता है, ठीक है। तो महासत्यों में यानी मेवाड़ के राणाओं की छत्रियों में पहली छत्री किस राजा की है, किस शासक की है, उसका नाम है अमर सिंह प्रथम। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, विद्रोही दिनों में शाहजादा खुर्रम यानी शाहजहां ने कहाँ शरण ली थी। ऑप्शन है पिछोला झील के महलों में, राजसमंद झील के महलों में, जयसमंद झील के महलों में या उदय सागर झील के महलों में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा एक नंबर का, पिछोला झील के महलों में। दोस्तों विद्रोही दिनों में शाहजादा खुर्रम यानी शाहजहां ने और पिछोला झील के महलों में शरण ली थी, और शरण किसने दी थी, शरण दी थी राणा करण सिंह ने। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से मुगल राजपूत स्थापत्य कला का सामंजस्य किस में नहीं पाया जाता है, इनमें से किस इमारत में राजपूत मुगल स्थापत्य कला का सामंजस्य नहीं पाया जाता। ऑप्शन है कर्णविलास, दिलखुश महल, बड़ा दरीखाना या बसंती दुर्ग। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा चार नंबर का, बसंती दुर्ग। दोस्तों कर्णविलास, दिलकुश महल और बड़ा दरीखाना इन इमारतों का निर्माण राजा करण सिंह के द्वारा किया गया था और ये मुगल राजपूत स्थापत्य कला के सामंजस्य का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछोला झील पर स्थित जगमंदिर महलों का निर्माण महाराणा करण सिंह ने शुरू किया था, बताइए इन्हें पूरा किसने करवाया था। ऑप्शन देखिए राणा कुंभा, राणा जगत सिंह प्रथम, राणा राज सिंह, राणा जगत सिंह द्वितीय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सेकंड नंबर का, राणा जगत सिंह प्रथम। दोस्तों जगमंदिर जो महल है वो पिछोला झील के अंदर स्थित है और इन महलों का निर्माण राणा करण सिंह ने शुरू किया था, लेकिन इनको पूरा कराने का कार्य किसने किया था, राणा जगत सिंह प्रथम ने। अब देखिए दोस्तों राणा करण सिंह के बारे में पूरी जानकारी देखिए, देखिए राणा अमर सिंह की मृत्यु के बाद 1620 में राणा करण सिंह मेवाड़ का शासक बना था। राणा करण सिंह मेवाड़ का शासक कब बना था, 1620 में, ठीक है। उसने मुगल ढांचे पर राज्य को परगनों में बांटा तथा उसके अंतर्गत कई गांव सम्मिलित किए थे। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुगल ढांचे पर अपने राज्य को परगनों में बांटने वाले जो पहले शासक थे मेवाड़ के वो कौन थे, राणा करण सिंह। फिर है जहांगीर के शासनकाल में 1622 में शाहजादा खुर्रम, जिसको शाहजहां कहा जाता है, को राणा करण सिंह ने विद्रोही दिनों में पिछोला झील के महलों में यानी जगमंदिर महल में शरण दी थी। याद रखना जो शाहजहां खुर्रम का विद्रोह हुआ था, शाहजादा खुर्रम का जो विद्रोह हुआ था वो 1622 में हुआ था, किसके समय में, जहांगीर के शासनकाल में, ठीक है।
तो उस दौरान शाहजादा खुर्रम को जो शरण प्रदान करने वाले शासक थे वो राणा करण सिंह थे, और राणा करण सिंह ने उनको पिछोला झील के महलों में यानी जग मंदिर महल के अंदर शरण प्रदान की थी। फिर है राणा करण सिंह ने करण विलास, दिलखुश महल, बड़ा दरीखाना आदि का निर्माण करवाया था, जो मुगल राजपूत स्थापत्य कला में सामंजस्य के प्रतीक हैं। याद रखना दोस्तों, ये तीनों महल जो हैं, करण विलास, दिलखुश महल और बड़ा दरीखाना, इनका निर्माण राणा करण सिंह के द्वारा करवाया गया था, और ये मुगल राजपूत स्थापत्य कला में सामंजस्य के प्रतीक हैं। ठीक है, फिर है राणा करण सिंह ने पिछोला झील में जग मंदिर महलों का निर्माण शुरू किया था, जिसे उसके पुत्र राणा जगत सिंह प्रथम ने पूरा करवाया था। याद रखना दोस्तों, जग मंदिर महल जो ये पिछोला झील में स्थित हैं, और इनका निर्माण किसने करवाया था? राणा करण सिंह ने इनका निर्माण कार्य शुरू करवाया था, लेकिन इसको पूरा कराने का जो कार्य है वो उसके पुत्र राणा जगत सिंह प्रथम को जाता है। इसलिए इन महलों का नाम क्या है? जग मंदिर महल, क्योंकि ये राणा जगत सिंह प्रथम के द्वारा बनवाए गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए अब दोस्तों, मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में प्रतापगढ़ की जागीर मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा मेवाड़ से स्वतंत्र कराई गई थी? बहुत अच्छी तरह याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देखिए, राणा जगत सिंह प्रथम, राणा जगत सिंह द्वितीय, राणा राज सिंह या राणा जय सिंह। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा राणा जगत सिंह प्रथम। ठीक है, राणा जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में और प्रतापगढ़ की जो जागीर थी वो मेवाड़ राज्य से अलग स्वतंत्र करा दी गई थी, ठीक है ना, शाहजहां के द्वारा। लेकिन बाद में आगे चल करके और राणा अमर सिंह द्वितीय के द्वारा प्रतापगढ़ को पुनः मेवाड़ के अधीन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों ये, जगन्नाथ राय मंदिर, इसी को जगदीश मंदिर भी बोलते हैं, इसी को विष्णु मंदिर भी बोलते हैं, इसका निर्माण किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन है राणा अमर सिंह प्रथम, राणा जगत सिंह प्रथम, राणा जगत सिंह द्वितीय या राणा राज सिंह प्रथम। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सेकंड नंबर का, राणा जगत सिंह प्रथम। दोस्तों राणा जगत सिंह प्रथम ने उदयपुर में जगन्नाथ राय मंदिर यानी जिसको जगदीश मंदिर बोलते हैं, वो विष्णु जी का मंदिर है इसलिए उसको विष्णु मंदिर भी बोलते हैं, उसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उदयपुर स्थित धाय का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? धाय का मंदिर, ऑप्शन है पन्ना धाय, धाय नोजुबाई, श्रृंगार देवी या हरिया देवी। दोस्तों इसका सही उत्तर है दो नंबर का, धाय नोजुबाई। दोस्तों धाय नोजुबाई राणा जगत सिंह की धाय थी, धाय का मतलब होता है सेविका, ठीक है। तो जो धाय का मंदिर है वो धाय नोजुबाई के द्वारा बनाया गया था, और ये कहाँ स्थित है? ये जगदीश मंदिर उदयपुर के पास में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उदयपुर के मंदिर की विशाल प्रशस्ति, जगन्नाथ राय प्रशस्ति की रचना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन है अर्जुन, कृष्ण भट्ट, बाण भट्ट या सारंग व्यास। दोस्तों इसका सही उत्तर है दो नंबर का, कृष्ण भट्ट। दोस्तों उदयपुर में जो जगदीश मंदिर है उस जगदीश मंदिर की प्रशस्ति लिखी गई थी, उसका नाम है जगन्नाथ राय प्रशस्ति, और इस प्रशस्ति की रचना की थी कृष्ण भट्ट ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिछोला झील में मोहन मंदिर और रूप सागर तालाब का निर्माण किसने करवाया था? मोहन मंदिर और रूप सागर तालाब कहाँ है? पिछोला झील में। तो इनका निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है राणा अमर सिंह, राणा जगत सिंह प्रथम, राणा जगत सिंह द्वितीय या राणा राय सिंह प्रथम। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा दो नंबर का, राणा जगत सिंह प्रथम। इन्होंने पिछोला झील में मोहन मंदिर और रूप सागर तालाब का निर्माण करवाया था। अब देखिए दोस्तों, राणा जगत सिंह प्रथम के बारे में पूरी डिटेल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है दोस्तों। देखिए 1628 में राणा करण सिंह के बाद उसका पुत्र जगत सिंह प्रथम मेवाड़ का शासक बना था। उसके समय ही प्रतापगढ़ की जागीर मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा मेवाड़ से स्वतंत्र कराई गई थी। दो चीज़ें आपको याद रखनी है, जगत सिंह प्रथम मेवाड़ का शासक कब बना था? 1628 में, ठीक है। फिर है किस शासक के शासनकाल में बादशाह शाहजहां द्वारा मेवाड़ से प्रतापगढ़ की जागीर स्वतंत्र कराई थी? तो उसका उत्तर होगा राणा जगत सिंह प्रथम, ठीक है। फिर है उसी ने उदयपुर में स्थित प्रसिद्ध जगन्नाथ
यानी जगदीश के विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। याद रखना, जगन्नाथ मंदिर या जगदीश मंदिर या विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? उदयपुर में। और उस किसके द्वारा निर्माण कराया गया था? उसका राणा जगत सिंह प्रथम के द्वारा, ठीक है। यह मंदिर पंचायतन शैली में बनाया गया है, याद रखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायतन शैली में बनाया हुआ मंदिर कौन सा है? ये जगदीश मंदिर उदयपुर जो है, ये पंचायतन शैली में बनाया हुआ मंदिर है। और पंचायतन शैली का मतलब क्या होता है दोस्तों? जब मेन मंदिर जो होता है, जिस देवी देवता का मंदिर होता है, वो बीच में होता है, मुख्य बीच में जो होता है वो होता है, और उसके चारों कोणों में, चारों दिशाओं में जो है बाकी अन्य देवी देवताओं के मंदिर बने हुए होते हैं, तो मंदिर निर्माण की इस शैली को बोलते हैं पंचायतन शैली, ठीक है। फिर देखिए, यह मंदिर अर्जुन की निगरानी में भाणा और मुकुंद की अध्यक्षता में बनाया गया था। याद रखना दोस्तों, ये मंदिर किसकी निगरानी में बनाया गया था? अर्जुन की निगरानी में बनाया गया था। और किन लोगों ने बनाया था? भाणा और मुकुंद ने बनाया था, ठीक है। इस मंदिर की विशाल प्रशस्ति जगन्नाथ राय प्रशस्ति की रचना कृष्ण भट्ट ने की थी। याद रखना दोस्तों, जगन्नाथ राय प्रशस्ति की रचना किसने की थी? कृष्ण भट्ट ने की थी। इसमें किस मंदिर की प्रशस्ति मतलब का उल्लेख किया गया है? तो जगदीश मंदिर या विष्णु मंदिर जो उदयपुर में, उसका उल्लेख किया गया है। फिर जगन्नाथ राय प्रशस्ति की रचना किस शासक के शासनकाल में हुई थी? तो राणा जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में। फिर कृष्ण भट्ट जो था वो किस शासक के कार्यकाल का महान कवि था या रचयिता था? तो उत्तर होगा राणा जगत सिंह प्रथम के काल का, ठीक है। फिर राणा जगत सिंह प्रथम के समय में उदयपुर में महाराणा की धाय नोजूबाई द्वारा धाय मंदिर का निर्माण करवाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना, महाराणा जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में और धाय मंदिर का निर्माण हुआ था कहाँ पर? उदयपुर में। किसने करवाया था? जगत सिंह प्रथम की धाय यानी सेविका थी नोजूबाई, उसने करवाया था, ठीक है। फिर है राणा जगत सिंह प्रथम ने पिछोला में मोहन मंदिर और रूप सागर तालाब तथा जनाना महल आदि का निर्माण करवाया था। याद रखना, ये जो इमारतें हैं, महल हैं, इनके नाम भी आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राणा राज सिंह द्वारा प्रारंभ किए गए चित्तौड़ किले की मरम्मत के कार्य को रोकने के लिए मुगल सम्राट शाहजहां ने किसके नेतृत्व में 30,000 सेना भेजी थी? ऑप्शन देखिए, सादुल्ला खां, आसिफ खां, जफर बेग, महाबत खां। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा एक नंबर का, सादुल्ला खां। दोस्तों चित्तौड़ के किले की मरम्मत का कार्य जगत सिंह प्रथम के द्वारा भी कराया गया था, लेकिन उस समय तो कोई विरोध ऑब्जेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन जो ही राणा राज सिंह प्रथम ने चित्तौड़ के किले की मरम्मत का कार्य करना प्रारंभ किया, तो मुगल सम्राट शाहजहां ने ऑब्जेक्शन किया और उसको रुकवाने के लिए उसने सादुल्ला खां के नेतृत्व में 30,000 सेना जो थी वो मेवाड़ भेजी, जिन्होंने चित्तौड़ के दुर्ग की दीवारों को जो है, बुर्जों को जो है ढा दिया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये सेकंड ग्रेड 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। राणा राज सिंह मेवाड़ समकालीन था, किसके समकालीन था? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, बहादुर शाह। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा तीन नंबर का, औरंगजेब, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, औरंगजेब ने मेवाड़ के किस शासक को दक्षिण में अपनी सैनिक सहायता भेजने के लिए पत्र लिखा था? ऑप्शन है राणा जगत सिंह, राणा राज सिंह, राणा जय सिंह, राणा जगत सिंह द्वितीय। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा राणा राज सिंह प्रथम। औरंगजेब ने राणा राज सिंह प्रथम को दक्षिण में सैनिक सहायता भेजने की अभ्यर्थना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ के किस शासक ने टिक्का दौड़ उत्सव का आयोजन किया था? टिक्का दौड़ उत्सव का आयोजन किसने किया था? ऑप्शन है राणा कुंभा, राणा जगत सिंह प्रथम, राणा सांगा, राणा राज सिंह प्रथम। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा चार नंबर का, राणा राज सिंह प्रथम। दोस्तों राणा राज सिंह प्रथम ने टिक्का दौड़ जो उत्सव है या अभियान है उसका आयोजन किया था। दोस्तों इस टिक्का दौड़ उत्सव में होता क्या है, देखिए, मुहूर्त निकलवा करके और वर्ष के पहले शिकार का, नए वर्ष के पहले शिकार का क्या होता है, आयोजन किया जाता है, वो भी राज्य की सीमाओं के बाहर। तो राणा राज सिंह ने क्या किया, टिक्का दौड़ उत्सव का आयोजन करके और उसके माध्यम से उसने राज्य की सीमाओं के बाहर जा करके मुगल थानों पर हमले किए और लाखों रुपए की संपत्ति प्राप्त की। इस प्रकार से इस अभियान के द्वारा उसने खोए हुए भागों को अपने राज्य में पुनः सम्मिलित किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये सेकंड ग्रेड 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। 1657 ईस्वी के मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया? ऑप्शन है करण सिंह, जय सिंह, राज सिंह या जगत सिंह। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर का, राज सिंह। अब देखिए दोस्तों, राणा राज सिंह प्रथम के कार्यकाल की पूरी घटनाएं, पूरी जानकारी देखिए बहुत बढ़िया तरीके से। देखिए राणा राज सिंह मुगल सम्राट औरंगजेब का समकालीन था, जो 1652 में मेवाड़ का शासक बना था। याद रखना राणा राज सिंह किसका समकालीन था? औरंगजेब का। और वो किस वर्ष जो है मेवाड़ का शासक बना था? 1652 में। फिर है राणा राज सिंह ने जब चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत कार्य शुरू किया तो मुगल सम्राट शाहजहां ने सादुल्ला खां के नेतृत्व में इसे रोकने के लिए 30,000 सेना को मेवाड़ भेजा था। याद रखना चित्तौड़ दुर्ग के निर्माण कार्य को रोकने के लिए मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा 30,000 सेना किसके नेतृत्व में भेजी गई थी? सादुल्ला खां के नेतृत्व में भेजी गई थी। ठीक है। फिर है औरंगजेब ने राज सिंह को पत्र लिखकर उसको दक्षिण में अपनी सैनिक सहायता भेजने की अभ्यर्थना की थी। ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है दोस्तों। ठीक है। फिर देखिए राणा राज सिंह ने टिक्का दौड़ उत्सव का आयोजन किया, जिसमें मुहूर्त से वर्ष के पहले शिकार का आयोजन राज्य की सीमा से बाहर किया जाता है। जब औरंगजेब सिंहासन पर बैठा तो उसने राणा राज सिंह के पद को 6,000 जात और 6,000 सवार बढ़ाया था। याद रखना दोस्तों ये इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं। जब औरंगजेब सिंहासन पर बैठा था तो उसने राणा राज सिंह के पद को कितना बढ़ाया था? उसके पद को 6,000 जात और 6,000 सवार बढ़ा करके और उसको सम्मानित किया था। दोस्तों ये जात और सवार क्या होती है? जात में पैदल सैनिक होते हैं और सवार के अंदर घुड़ सैनिक होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेवाड़ के किस शासक ने औरंगजेब द्वारा हिंदुओं पर जजिया लगाने का विरोध किया था? ठीक है। ऑप्शन है राणा जगत सिंह प्रथम, राणा राज सिंह प्रथम, राणा जय सिंह या राणा जगत सिंह द्वितीय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर का, राणा राज सिंह प्रथम। दोस्तों राणा राज सिंह के शासनकाल में मुगल सम्राट औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। जजिया का मतलब होता है धार्मिक कर, हिंदुओं पर लगाया जाने वाला, यानी गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला जो धार्मिक कर होता है उसको बोलते हैं जजिया। तो ये कर औरंगजेब के द्वारा, और कब लगाया गया था दोस्तों? ये लगाया गया था 1679 के अंदर। तो इस कर का और राणा राज सिंह प्रथम के द्वारा विरोध किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजकुमारी चारुमती की विवाह की समस्या 1669 के समय मेवाड़ का शासक कौन था? ऑप्शन है राणा जगत सिंह प्रथम, राणा राज सिंह प्रथम, राणा जय सिंह या राणा जगत सिंह द्वितीय। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर का, राणा राज सिंह प्रथम। दोस्तों राजकुमारी चारुमती की विवाह की समस्या का यह विवाद था वो क्या था वो आगे विस्तार से समझाया गया है। तो ये किसके समय हुआ था? राणा राज सिंह प्रथम के समय 1669 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, कांस्टेबल 2009 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। अपना सिर काट कर देने वाली हाड़ा रानी का नाम क्या था? अपना शीश काट कर देने वाली हाड़ा रानी का नाम क्या था? ऑप्शन है रानी पद्मनी, रानी लक्ष्मी, सहल कंवर या सरोज कंवर। दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 नंबर का, सहल कंवर। दोस्तों सहल कंवर हाड़ा रानी थी जिसने अपना शीश काट करके और दे दिया था। आगे विस्तार से इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर कब लगाया था? ऑप्शन है 1662 में, 1669 में, 1679 में या 1678 में। दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 नंबर का, 1679 में। दोस्तों औरंगजेब ने हिंदुओं पर 1679 में जब जजिया कर लगाया था उस समय मेवाड़ का जो शासक था वो राणा राज सिंह प्रथम था। अब देखिए दोस्तों, राजकुमारी चारुमती विवाह विवाद 1679 क्या था? देखिए राजकुमारी चारुमती किशनगढ़ के राजा मान सिंह की बहन थी। याद रखना राजकुमारी चारुमती कौन थी? किशनगढ़ के राजा मान सिंह की बहन, और जिसका विवाह है उसने औरंगजेब के साथ तय किया था, लेकिन वह राणा राज सिंह के साथ विवाह करना चाहती थी। अतः राणा राज सिंह ने औरंगजेब के विरोध की परवाह किए बिना राजकुमारी चारुमती से विवाह किया था। इसी को बोलते हैं राजकुमारी चारुमती विवाह विवाद, याद रखना। फिर है हाड़ा रानी सहल कंवर, ये कौन थी इसके बारे में देखिए।
यह सलुम्बर के सामंत रतन सिंह चूड़ावत की नवविवाहिता थी। ठीक है ना, सलुम्बर के सामंत रतन सिंह चूड़ावत की नवविवाहिता पत्नी थी, जो मेवाड़ के राणा राज सिंह का सामंत था। रतन सिंह चूड़ावत किसका सामंत था? मेवाड़ के राजा राज सिंह का। ठीक है, फिर राजकुमारी चारुमती से विवाह के दौरान औरंगजेब की सेना को रोकने की जिम्मेदारी राणा राज सिंह ने रावत रतन सिंह चूड़ावत को दी थी। युद्ध भूमि में जाते समय जब इन्होंने सेवक को रानी से सेनानी यानी निशाने लाने को कहा, तो रानी सहल कंवर ने तलवार से अपना सिर काटकर चूड़ावत के पास भेंट के रूप में भेज दिया था। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, राणा राज सिंह द्वारा 1662 में गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद में दुष्काल से पीड़ितों की सहायता के लिए राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। दोस्तों अच्छी तरह याद रखना, झीलों का मेरा अलग से वीडियो, वहाँ देखिए पूरी जानकारी। तो यहाँ पर आप इतना देखिए कि राजसमंद झील कहाँ स्थित है, राजसमंद जिले के अंदर स्थित है, और उसका निर्माण किसने कराया था? 1662 में राणा राज सिंह के द्वारा कराया गया था। किस नदी को के पानी को रोक करके? गोमती नदी के पानी को रोक करके। और दूसरी चीज़ इसमें क्या याद रखनी है कि इस झील का जो निर्माण है वो दुष्काल से पीड़ित जनता को राहत पहुंचाने के लिए अकाल रात कार्यों के तहत कराया गया था। याद रखना, अकाल रात कार्यों के तहत इस झील का निर्माण कराया गया था। फिर है, उन्होंने इस झील की नौ चौकी पाल पर 25 बड़ी बड़ी शिलाओं पर राज प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाई थी, जिसमें मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जिसके रचयिता रणछोड़ भट्ट हैं। दोस्तों हर लाइन में क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है। देखिए, नौ चौकी पाल कहाँ स्थित है? नौ चौकी पाल राजसमंद झील के अंदर स्थित है, या राजसमंद के अंदर स्थित है। ठीक है, तो इस नौचौकी पाल पर राणा राज सिंह द्वारा क्या किया गया था? राज प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाई थी। 25 बड़ी बड़ी शिलाओं पर यानी 25 बड़े बड़े पत्थरों पर उन्होंने राज प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाई थी। और इसमें किसका इतिहास उल्लेखित किया गया? मेवाड़ का इतिहास जो लिखा गया, किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। और राज प्रशस्ति के लेखक कौन है? रणछोड़ भट्ट। फिर देखिए, यह विश्व में सबसे बड़ा शिलालेख है और शिलाओं पर लिखा हुआ सबसे बड़ा ग्रंथ है। याद रखना दोस्तों, ये विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है और शिलाओं पर लिखा गया सबसे बड़ा ग्रंथ है। ये ग्रंथ शिलाओं पर, पत्थरों की शिलाओं पर लिखा गया है। ठीक है, फिर है, राणा राज सिंह ने झील के पास सर्व ऋतु विलास तथा जनसागर का निर्माण भी करवाया था और राजनगर नामक कस्बा भी बसाया था। याद रखना दोस्तों, सर्व ऋतु विलास और जनसागर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? राणा राज सिंह ने। ठीक है, और राजनगर किसने बसाया था? राणा राज सिंह प्रथम ने। तो दोस्तों ये राणा राज सिंह के बारे में कितनी बढ़िया डिटेल आपको बताई है। अब क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सिहाड़ श्रीनाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित कराया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है राणा राज सिंह, राणा जय सिंह, राणा अमर सिंह द्वितीय या राणा कुंभा। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा राणा राज सिंह। ठीक है, राणा राज सिंह ने सिहाड़ नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को प्रतिष्ठित करवाया था। अगला क्वेश्चन है, कांकरोली में द्वारकाधीश की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित करवाया था? कांकरोली में द्वारकाधीश की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित करवाया था? ऑप्शन है राणा राज सिंह, राणा सांगा, राणा प्रताप, राणा कुंभा। दोस्तों इसका सही उत्तर है एक नंबर का, राणा राज सिंह। दोस्तों जो बादशाह औरंगजेब था, उन्होंने हिंदुओं की मंदिर और मूर्तियां तोड़ना प्रारंभ कर दिया था, पूजा पाठ पर रोक लगा दी थी। तो इस वजह से बादशाह औरंगजेब के डर से श्रीनाथ जी की मूर्तियों को लेकर के गोसाई जो लोग थे वो वहां से भाग करके आए थे। ठीक है ना, उन लोगों ने मेवाड़ में आकर के शरण ली थी, इसलिए राणा राज सिंह ने उन लोगों को शरण प्रदान की और उनके द्वारा जो लाई गई मूर्तियां थी उन मूर्तियों को जो है और अपने राज्य में प्रतिष्ठित करवाया। जैसे द्वारकाधीश की मूर्ति को कांकरोली में प्रतिष्ठित करवाया और श्रीनाथ जी की मूर्ति को सिहाड़ नाथ द्वारा में प्रतिष्ठित करवाया। क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस शासक ने प्रतापगढ़ को पुनः मेवाड़ के अधीन किया था? ऑप्शन देखिए, राणा राज सिंह, राणा अमर सिंह, राणा अमर सिंह द्वितीय या राणा जगत सिंह। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा राणा अमर सिंह द्वितीय। दोस्तों मेवाड़ पहले प्रतापगढ़ के अधीन ही था, लेकिन राणा जगत सिंह प्रथम के शासनकाल के अंदर और जो मुगल बादशाह शाहजहाँ था उसने मेवाड़ को
प्रतापगढ़ को मेवाड़ से स्वतंत्र कर दिया था, तो इसको वापिस जो है मेवाड़ के अधीन करने का श्रेय महाराणा जगत सिंह द्वितीय को है। अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, सहेलियों की बाड़ी कहाँ स्थित है? सहेलियों की बाड़ी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सेकंड नंबर का, उदयपुर में। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है राणा राज जय सिंह, राणा राज सिंह, राणा अमर सिंह प्रथम या राणा संग्राम सिंह द्वितीय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा चार नंबर का, राणा संग्राम सिंह द्वितीय। दोस्तों सहेलियों की बाड़ी का निर्माण राणा संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया था और ये उदयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अफगान आक्रमणकारी नादिर शाह के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? याद रखना, नादिर शाह के समय मेवाड़ का शासक कौन था? ऑप्शन देखिए, राणा राज सिंह, राणा अमर सिंह, राणा जगत सिंह, राणा जगत सिंह द्वितीय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा राणा जगत सिंह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस महाराणा के समय मराठों ने मेवाड़ में पहली बार प्रवेश कर वसूला था? ठीक है, ऑप्शन है राणा भीम सिंह, राणा जवान सिंह, राणा जगत सिंह द्वितीय, राणा राज सिंह। दोस्तों इसका सही उत्तर है तीन नंबर का, राणा जगत सिंह द्वितीय। दोस्तों राणा जगत सिंह द्वितीय के शासनकाल में मराठों ने पहली बार मेवाड़ में प्रवेश करके कर वसूल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिछोला झील में स्थित जगत निवास महलों का निर्माण किसने करवाया था? पिछोला झील में स्थित जगत निवास महलों का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है राणा जय सिंह, राणा जगत सिंह, राणा सांगा या राणा जगत सिंह द्वितीय। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा चार नंबर का, राणा जगत सिंह द्वितीय। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, हुरडा सम्मेलन का आयोजन मेवाड़ के किस महाराणा द्वारा किया गया था? दोस्तों हुरडा सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक जो है ना इसको चित्र याद रखना। तो हुरडा सम्मेलन का आयोजन किस महाराणा के शासनकाल में किया गया था? ऑप्शन है राणा राज सिंह, राणा जय सिंह, राणा संग्राम सिंह, राणा जगत सिंह द्वितीय। दोस्तों इसका सही उत्तर है राणा जगत सिंह द्वितीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य था, हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य था, ऑप्शन है अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव को रोकना, मुस्लिम आक्रांताओं से राज्य को बचाना, मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा तीन नंबर का, मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना। दोस्तों हुरडा सम्मेलन का आयोजन 17 जुलाई 1734 को महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा किया गया था और इस सम्मेलन में राजपूत राजाओं को उन्होंने आमंत्रित किया था और एक मराठों के विरुद्ध एक शक्तिशाली मंच जो है उन्होंने बनाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, हुरडा सम्मेलन का आयोजन 17 जुलाई 1734 को राणा जगत सिंह द्वितीय द्वारा किया गया था। बताइए हुरडा नामक स्थान किस जिले में स्थित है? हुरडा नामक स्थान किस जिले में? ऑप्शन है राजसमंद में, उदयपुर में, भीलवाड़ा में या चित्तौड़गढ़ में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा तीन नंबर का, भीलवाड़ा में। अगला क्वेश्चन देखिए, कृष्णा कुमारी विवाद किस महाराणा के शासनकाल में हुआ था? कृष्णा कुमारी विवाद किस महाराणा के शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन है राणा जगत सिंह, राणा राज सिंह, राणा जय सिंह या राणा भीम सिंह। दोस्तों इसका सही उत्तर है चार नंबर का, राणा भीम सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, राजकुमारी कृष्णा कुमारी को लेकर किन राज्यों में संघर्ष हुआ था? राजकुमारी कृष्णा कुमारी को लेकर किन राज्यों में संघर्ष हुआ था? ऑप्शन है जयपुर एवं जोधपुर, जयपुर एवं उदयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर, जयपुर एवं बीकानेर। दोस्तों इसका सही उत्तर है फर्स्ट नंबर का, जयपुर एवं जोधपुर के मध्य राजकुमारी कृष्णा कुमारी को लेकर के संघर्ष हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, मिंगोली का युद्ध किन के मध्य हुआ था? मिंगोली का युद्ध किन के मध्य हुआ था? ऑप्शन है जयपुर जोधपुर के मध्य, जयपुर बीकानेर के मध्य, जोधपुर उदयपुर के मध्य या जोधपुर बीकानेर के मध्य। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है जयपुर जोधपुर के मध्य। दोस्तों ये राजकुमारी कृष्णा कुमारी का विवाद क्या था ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। कृष्णा कुमारी जो थी वो मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी और उसका जो शादी थी वो जोधपुर के महाराजा भीम सिंह के साथ तय की गई थी, लेकिन भीम सिंह की मृत्यु हो गई थी, उस वजह से उसकी शादी का जो शगुन था वो जयपुर के महाराजा जगत सिंह को भेज दिया गया था। लेकिन जोधपुर के जो नए शासक मान सिंह बने थे उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया कि भाई जो शगुन हमारे को भेजा गया है उसको वापस जो है जयपुर के महाराजा जगत सिंह को कैसे भेज दिया गया। तो इस बात को लेकर के जयपुर और जोधपुर के अंदर जो है भयंकर युद्ध छिड़ गया, विवाद पैदा हो गया,
उन दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ उसको बोलते हैं मिंगोली का युद्ध, याद रखना अच्छी तरह। तो इस विवाद के अंदर जोधपुर के जो शासक थे मान सिंह, उन्होंने भाड़ेत के मतलब जिसको मतलब पैसा दे करके फिर किसी को पिटवाने के लिए बुलवा देना, वो होता है भाड़ेत। तो अमीर खां पिंडारी को बुलाया, अमीर खां पिंडारी को बुलाया और अमीर खां पिंडारी ने तीनों ही पक्षों को जो इस मामले में लूटा था। तीनों पक्ष कौन से? मेवाड़, जयपुर और जोधपुर। ठीक है, अंत में इस विवाद का समाधान करने के लिए 1810 में राजकुमारी कृष्णा कुमारी को जहर देकर के और उसको मार दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, राजकुमारी कृष्णा कुमारी मेवाड़ के किस महाराणा की पुत्री थी? राजकुमारी कृष्णा कुमारी मेवाड़ के किस महाराणा की पुत्री थी? ऑप्शन है राणा भीम सिंह, राणा जीवन सिंह, राणा राज सिंह या राणा संग्राम सिंह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पहले नंबर का, राणा भीम सिंह। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि किस वर्ष की थी? मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि किस वर्ष की थी? ऑप्शन है 1808 में, 1810 में, 1818 में या 1828 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है तीन नंबर का, 1818 के अंदर। दोस्तों मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से अधीनस्थ सहयोग की जो संधि की थी वो 1818 में की थी। तो दोस्तों इसमें जो राजसमंद झील है और जयसमंद झील है, यानी महाराणा राज सिंह जो थे और महाराणा जय सिंह जो थे उनके द्वारा झील जो बनाई गई थी, इससे रिलेटेड डिटेल मैंने इस वीडियो के अंदर नहीं दी है। वो जानकारी आप चाहें तो मेरा झीलों वाला वीडियो देखिए, उसमें आपको वो डिटेल मिल जाएगी। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि नए विद्यार्थियों तक वीडियो पहुँच सके और मेरे को भी दोस्तों मोटिवेशन मिल सके, मैं भी और ज़्यादा मेहनत से आपके लिए वीडियो तैयार कर सकूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।